हेलो गाइस, आज इस वीडियो में एमएस वर्ड का आखिरी ऑप्शन बताने जा रहा हूँ व्यू टैब के बारे में। और अगर आपको एमएस वर्ड शुरुआत से सीखना है तो मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट में कंप्लीट नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड की प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहां से सारी वीडियो को देख सकते हैं और आप पूरा एमएस वर्ड सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, व्यू टैब शुरू करते हैं। अब व्यू टैब में सीखते हैं। सबसे पहले इधर ऑप्शन है हमारा प्रिंट लेआउट। जैसे आप जो अभी डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, जैसे अभी जो आप ये पेज देख रहे हैं, ये अभी बाय डिफॉल्ट जो सेट होता है वो प्रिंट लेआउट पे सेट होता है। और अगर आप फुल स्क्रीन रीडिंग पे करेंगे तो नाम से ही पता चल रहा है फुल स्क्रीन रीडिंग यानी फुल पेज पे हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करके देखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो ऊपर के टैब थे वो गायब हो चुके हैं और जो पेज है ये फुल स्क्रीन में आ चुका है। अगर आपको उसको आगे देखना है तो ये इधर एरो है, इसकी मदद से आप आगे देख सकते हैं। और आपको बैक जाना है तो इधर एरो है, यहाँ से आप बैक जा सकते हैं। इस तरह आप फुल स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसको हटाना है तो आप कीबोर्ड का एस्केप बटन दबाएंगे। जैसे आप एस्केप बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं आपको जो फुल स्क्रीन मोड से हट जाएगा और बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट पे सेट हो जाएगा। आप सीखते हैं वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे आप जब गूगल चलाते हैं तो उसमें जो पेज होता है वो वेब लेआउट होता है, तो इसी की तरह आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक है कि जो आपका जो पेज ब्रेक होता है इसमें आपको कहीं भी पेज ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जाए अगर आपके डॉक्यूमेंट में 20, 30 या 40 पेजेस होंगे तो ये सारा एक ही पेज में आपको दिखाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं वेब लेआउट। अब यहाँ पर इधर आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आउटलाइन में कुछ इस तरह फॉर्मेटिंग आ जाएगी और यहाँ पर साइड में डॉटेड आ जाएंगे बुलेट्स करके, इस तरह आ जाएगा। और यहाँ से इसको हटाना है आउटलाइन से तो क्लोज आउटलाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो आउटलाइन व्यू से हट जाएगा। इस तरह आप प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट और आउटलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ड्राफ्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आउटलाइन में यहाँ पर साइड में बुलेट्स आ रहे थे, लेकिन ड्राफ्ट में सेम वैसे ही है लेकिन बुलेट्स नहीं आ रहे। ड्राफ्ट में आप एक ऑप्शन और देख लेंगे तो रूलर एरिया भी आ रहा है लेकिन आउटलाइन में रूलर एरिया नहीं आता। तो ये डिफरेंस है आउटलाइन और ड्राफ्ट में। अब इधर ऑप्शन है शो हाइड, तो यहाँ पर रूलर पर टिक है। रूलर मींस ये जो आपका स्केल होता है, एक यहाँ पर टॉप में देख रहे होंगे, एक इधर लेफ्ट साइड में इधर स्केल देख रहे होंगे। जैसे मैं यहाँ से टिक हटाऊंगा तो आप देख सकते हैं जो मेरा रूलर एरिया है वो गायब हो गया। यहाँ पर मैं टिक करूंगा तो आ जाएगा। तो यहाँ से आपको जो जो ऑप्शन रखने हैं उस पर अगर आप टिक करेंगे तो सारे शो होने लग जाएंगे, टिक हटाएंगे तो हाइड हो जाएगा। ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन पर टिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ग्राफ जैसा आ गया है। ये बेसिकली यूज होता है जैसे कोई आप शेप आप एग्जैक्ट सेट करना चाहते हैं कोई पॉइंट पर, तो इसलिए ये ग्राफ का यूज होता है। तो ग्रिड लाइन को हटाएंगे तो यहाँ से ग्रिड लाइन हट जाएगी। डॉक्यूमेंट मैप है, इस पे टिक करेंगे तो इधर लेफ्ट साइड में जितनी भी आपने हेडिंग बनाई होगी वो शो करने लग जाएगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल करके, जैसे ये है ऑन द इंसर्ट टैब, इसको हेडिंग बनानी है मुझे तो इसको सिलेक्ट करा, होम टैब में गया और यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दी। जैसे मैंने इधर हेडिंग दी तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में इधर ऑन द इंसर्ट टैब में आ गया। अब एक और मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे ये है बोट द थीम्स गैलरी, इसको भी मैं हेडिंग बना देता हूँ। तो जैसे इसको मैंने हेडिंग बनाया तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन द इंसर्ट टैब है और बोट द इंसर्ट गैलरी है। इस तरह आप हेडिंग यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह आप डॉक्यूमेंट मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर है थंबनेल, आप थंबनेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस होंगे वो सारे दिखा देंगे। अभी फिलहाल मेरे डॉक्यूमेंट में 3 ही पेज है तो 3 पेज है। जैसे आपने देखा होगा पावर पॉइंट में लेफ्ट साइड में यहाँ पर स्लाइड आती है तो सेम थंबनेल का भी सेम वैसे ही यूज है। यहाँ पर आप जितने भी पेज होंगे आपके डॉक्यूमेंट साइड में आपको दिख जाएंगे।
जैसे आपको फर्स्ट पेज पे जाना था यहाँ से जा सकते हैं, सेकंड पे जाना, थर्ड पे जाना है, इस तरह आप मूव कर सकते हैं। फिलहाल मैं थंबनेल से टिक हटा देता हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं जूम पर। ये जूम करने के लिए होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि पेज को जूम करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर अभी बाय डिफॉल्ट जो मेरा सेट है 100% पे, अगर मुझे 200% पे करना है तो यहाँ पर आप देख रहे टेक्स्ट कुछ इतना बड़ा होगा, 100% पे कुछ इतना, 75%। जैसे 200% पे करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जब पेज का साइज और 200% हो गया। आप यहाँ पर राइट साइड में इधर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा भी है 200%। इस तरह आप पेज का साइज बढ़ा सकते हैं। अगर और बढ़ाना है तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ से आप जितना आपको जूम करना है उतना आप जूम कर सकते हैं। अगर आपको बाय डिफॉल्ट नॉर्मल चाहिए कि नॉर्मल साइज हो जाए तो यहाँ पर 100% है, 100% पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट का जो साइज है पहले जैसा हो गया, 100% पर हमारा नॉर्मल साइज हो जाए। अभी यहाँ पर वन पेज है, वन पेज पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल कुछ इस तरह आ जाए कि एक ही पेज आएगा। इधर है टू पेज, टू पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इधर वन और यहाँ पर टू पेज आ जाएंगे, इधर दो पेज आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। पेज विजिट है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो जो जो आपका करंट पेज होगा जिस पर आपका कर्सर होगा वो जूम हो जाएगा बिल्कुल एकदम, ये हो जाएगा 180% पे ये जूम हो जाएगा। नॉर्मल करना है 100% पे नॉर्मल कर दीजिए। अब यहाँ पर चलते इधर है न्यू विंडो। जैसे अभी आप इधर देख रहे डॉक्यूमेंट वन है, अब जैसे आप न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते डॉक्यूमेंट टू खुल गया है। तो ये सेम वही फाइल है लेकिन एक न्यू विंडो में खुल चुकी है। अब उसके बाद मैं आपको उसका डिफरेंस बताता हूँ, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। आप देख रहे ऑन द इंसर्ट टैब यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है और द गैलरी बिल्कुल सेम कॉपी हो चुकी है एक नई फाइल में जो भी मैंने डाटा लिखा था। अगर आप यहाँ से कुछ डिलीट करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अब आपको सही से दिख रहा होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है द गैलरी इंक्लूड और यहाँ भी लिखा हुआ है द गैलरी इंक्लूड। जैसे मैं ये जो इंक्लूड वर्ड है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ तो इधर मैं ये जो डॉक्यूमेंट वन है मैंने यहाँ से डिलीट करा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट टू है यहाँ से भी ऑटोमेटिकली जो इंक्लूड वर्ड था वो डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आइटम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आइटम्स लिखा हुआ है तो इसको डिलीट करूँगा तो आप देख सकते हैं आपने यहाँ से डिलीट करा तो यहाँ से भी डिलीट हो गया। तो इस तरह आप न्यू विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं इसको यहाँ से, अब यहाँ पर है अरेंज ऑल। जैसे यहाँ पर अरेंज ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल थी ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो गई है, ये थोड़ा ऊपर हो गया टॉप में और ये नीचे जो डॉक्यूमेंट टू फाइल थी ये थोड़ी बॉटम में हो चुकी है। इस तरह आप अरेंज कर सकते हैं फाइल को कि अगर आपको एक साथ फाइल को देखना हो तो आप अरेंज ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्प्लिट। स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक माउस में एक रूलर जैसा जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इधर रूलर आ जाएगा। इधर एक ऊपर भी रूलर है, एक नीचे भी रूलर है। जैसे यहाँ से आपको जो नीचे जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं सारे थोड़े आगे चाहिए, जैसे आपको यू कैन ईजिली से चाहिए, इस तरह आगे करवा सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव स्प्लिट की मदद से। तो यहाँ से आपका जो रूलर था वो रिमूव हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है व्यू साइड बाय साइड। इस ऑप्शन का यूज देखते हैं, ये अभी आप देख रहे हैं ये ऑप्शन हाइड है। इस ऑप्शन को हाइड शो करने के लिए आपको एक फाइल और बनानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर दो फाइल बन चुकी है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे व्यू साइड बाय साइड का ऑप्शन आ चुका है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसे साइड में साइड इधर आ जाएगी, इधर लेफ्ट साइड में हो जाएगा और राइट साइड में आ जाएगा, इस तरह आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जब ये स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों डॉक्यूमेंट का स्क्रॉल एक साथ नीचे होगा। और यहाँ पर है रीसेट विंडो पोजिशन। जैसे
इस डॉक्यूमेंट को मैं थोड़ा यहाँ ले आता हूँ और अगर यहाँ से मैं रीसेट करूँगा तो ये अपने पहले जैसा पोजिशन में हो जाएगा, जैसा अभी मैं इसको मैक्सिमाइज भी कर देता हूँ और फिर रीसेट करूँगा तो ये जैसा पहले साइज था ये खुद ऑटोमेटिकली वैसे सेट हो जाएगा। अब इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से और जैसे आप क्लोज करेंगे खुद मैक्सिमाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर स्विच विंडो, जैसे न्यू विंडो करके दिया मैंने एक फाइल और, अब यहाँ पर स्विच विंडो है। अभी मैं डॉक्यूमेंट टू में हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट वन में जाना है तो डॉक्यूमेंट वन में चले जाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट वन है, डॉक्यूमेंट टू में जाना है तो डॉक्यूमेंट टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं टू आ चुका है। इस तरह आप डॉक्यूमेंट के अंदर स्विच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इधर मैक्रो। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं इधर मैक्रो। मैक्रो आपके डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, जैसे आप कोई बड़े डाटा में काम कर रहे हैं उस डाटा को आपको इंसर्ट करवाना होता है बार बार, तो इसलिए मैक्रो का इस्तेमाल करते हैं। मैक्रो पे जाएंगे, यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे व्यू मैक्रो, यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन है। व्यू मैक्रो में अगर आपने डाटा को पहले से रिकॉर्ड कर रखा है तो आप व्यू मैक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप रिकॉर्ड मैक्रो का इस्तेमाल करें। जैसे मुझे अभी डाटा को रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर बटन से कीबोर्ड से मैं कीबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर प्रेस न्यू शॉर्टकट की है तो यहाँ से आपको अपनी मर्जी से कोई भी शॉर्टकट की बना दीजिए। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू बना देता हूँ शॉर्टकट की और असाइन पे क्लिक कर देता हूँ। याद रहे जो शॉर्टकट की आप बना रहे हैं वो थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे अगर आपने कंट्रोल सी बना दिया, आपको पता है मैं सब कंट्रोल सी से कॉपी होगा तो कंट्रोल सी से जो मैक्रो है वो इनेबल नहीं हो पाएगा, वो कॉपी होगा। तो याद रहे जो शॉर्टकट की आप बना रहे वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए और यहाँ पर असाइन पे क्लिक कर दीजिए तो करंट की में कंट्रोल शिफ्ट की आ जाएगा और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। जैसे क्लोज करेंगे तो आपको जो मैक्रो है इनेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो मेरा माउस का पॉइंट है इसके यहाँ पर कुछ साइन आ रहा है, तो इसका मतलब जो आपका मैक्रो है इनेबल हो गया। अब आप जो भी डाटा में काम करेंगे तो आप सारा आपका रिकॉर्ड होगा। जैसे मैं यहाँ पर कोई टेबल बनाता हूँ, अब यहाँ पर मैं कुछ डाटा टाइप कर देता हूँ, आप देख सकते हैं जब मैंने डाटा टाइप कर दिया है इसमें मैं कोई फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ, यहाँ से कोई भी इधर फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ, कुछ इस तरह मैंने फॉर्मेटिंग लगा दी तो आप देख सकते हैं ये मैंने इधर एक डाटा बना दिया है। अब मुझे ये टेबल बार बार इंसर्ट करवानी है तो पहले जो मैक्रो जो रिकॉर्ड हो रहा है मुझे स्टॉप करना होगा। व्यू टैब में जाऊंगा, मैक्रो में जाऊंगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हैं जो आपका मैक्रो है बंद हो चुका है, रिकॉर्ड होना बंद हो चुका है। अब जैसे मुझे यही टेबल मुझे इसके नीचे इंसर्ट करवानी है, यहाँ पर मुझे टेबल चाहिए तो क्या करूँगा कंट्रोल शिफ्ट क्यू बटन दबाऊंगा। आप देख सकते हैं जो टेबल थी वो मेरी ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो चुकी है जो भी मैंने शॉर्टकट की बनाई थी। फिर यहाँ पर नीचे करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल इंसर्ट हो चुके हैं। इस तरह आप मैक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका पूरा व्यू टैब। तो दोस्तों ये था आपका एमएस वर्ड का लास्ट ऑप्शन व्यू टैब के बारे में। अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।